अंकिता मॉर्डर केस में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक को एसआईटी में अपने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए। अधिवक्ता प्रवेश रावत ने कहा कि रेणु बिष्ट का बयान एसआईटी के समक्ष दर्ज होगा। अंकिता मॉर्डर केस में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट की मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अधिवक्ता प्रवेश रावत ने अंकिता मॉर्डर केस में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट को आरोपी बनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वार में 11 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 18 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अधिवक्ता प्रवेश रावत को अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी टीम के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने को कहा। अधिवक्ता प्रवेश रावत ने बताया कि अंकिता जिस वंथरा रिजॉर्ट में काम करती थी, उसको स्थानीय विधायक ने रातों रात बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था, जिस वजह से अंकिता केस से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिट गए थे। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को जो एक्यूज बनाने की मांग हमने करी थी अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा आज फैसला सुनाया गया। हमारी रिट पर उन्होंने कहा है कि आप पहले जो एसआईटी गठित है उस पर जाइए, अपने बयान दर्ज कराइए और हम पहले एसआईटी में जाएंगे, सर्टिफाइड कॉपी लेके उसका अवलोकन करेंगे, एसआईटी में अपना बयान दर्ज कराऊंगा। अगर वहां से भी मैं संतुष्ट रहता हूं, मैं सेशन कोर्ट पर जाऊंगा और अपील दायर करूंगा। लेकिन जब तक रेणु बिष्ट को एक्यूज नहीं बनाया जाता, तब तक हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।